मतलब पूरा एक फ्लोर ही गोल्ड के लिए बना दिया कि यहाँ गोल्ड की ही सारी दुकान है। और गोल्ड भी देखो जैसे दुबई में लदा रहता है ऐसे लाद रखा है। दोस्तों अभी चलते हैं, सिम लेनी है और एक मनी एक्सचेंज कराना है उसके लिए। और जैसे आपको बताया था मैंने सुबह में कितने बजे 5-6 बजे के करीब पहुंच गया था यहाँ पे और ये रूम लिया था, रूम मैंने आपको दिखाई दिया था। अभी चलते हैं सिम वगैरह लेने के लिए, थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ ढाका की। ये है ढाका का फार्म गेट एरिया, ढाका का फार्म गेट एरिया है। ओल्ड ढाका बिल्कुल डेंस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और क्या बोलते हैं पूरा पैक है। ये थोड़ा सा लखुल्ला सा है, बाकी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसा कुछ है। और वेलकम टू ढाका। अब और ये देखो रिक्शा का, मतलब ढाका को रिक्शा का शहर भी कह सकते हैं। ये देखो कितने रिक्शा हैं यहीं पे, करीब 200 रिक्शा होंगी अगर काउंट करोगे तो, इतनी सारी लाइन में और ये वो इधर उधर के। पूरे ढाका के अंदर 1 मिलियन रिक्शा हैं, 10 लाख रिक्शा, तो रिक्शाओं का शहर इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा ढाका के बारे में। ये है कुछ अभी रूम की हालत और अभी चलते हैं घूमने जो काम हम करने आए। ये है ढाका का फर्स्ट लुक, ऐसा कुछ भीड़ भाड़ का एरिया, पूरा पूरी भीड़ हो रखी है, रिक्शा रिक्शा, मतलब ये लग रहा है जैसे पुरानी दिल्ली, अपनी पुरानी दिल्ली की तरह है पूरे का पूरा एरिया। ये यहाँ जलेबियाँ, मतलब कुछ देखने को मिला जो खा भी सकते हैं, अदरवाइज तो साला 3 दिन से ऐसे ही चलता था सब कुछ। ये आ गया बाटा, इसके आगे बताया था उन्होंने कहाँ पे बताया था, चलो अभी देखते हैं। तो भाई ने बताया कि यहाँ भी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी दूसरे बाटा पे। और पता नहीं एक तो लैंग्वेज बैरियर इतना है, इनको समझ में नहीं आती भाई, हिंदी नहीं आती इंग्लिश भी नहीं आती, तो ऐसा कुछ है यहाँ, अभी देखते हैं। और दूसरा फोन छीनने वाले, इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये मुर्गे कैसे पकड़ के बेच रहा है, कि ऐसे मुर्गे बेचते हैं यहाँ पे, और जिंदे हैं ये मुर्गे, मरे हुए नहीं हैं, जिंदे मुर्गे बेच रहा है भाई, ज़बरदस्त है भाई। ढाका, वेलकम टू ढाका। ढाके के अंदर डबल डेकर भी चलती है, तो ये है यहाँ की डबल डेकर, इसकी भी सवारी करेंगे, देखते हैं कैसी क्या है। ये है दिन आ गई बारिश यहाँ पे, आज सब कुछ बंद है, कल मिलेगी सिम, तो आज तो इन्हीं का काम ठप हो गया, सारी दुकानें बंद होगी, पूरी बारिश हो रही है, तो कल मिलेगी सिम, कल देखते हैं। अभी जाते हैं होटल, अगर टाइम रात तो देखेंगे, नहीं तो कल से स्टार्ट करेंगे फिर, बाकी कल बारिश बता देते थे लेकिन आज ही होगी बारिश। ये देखो अभी मैं एक ना शॉप में आया बेकरी वाली में, यहाँ पे क्या है ओरियो जो मिल रहा है ना, वो बांग्लादेश का ओरियो नहीं है, वो है इंडिया का ही ओरियो। ये देखिए इस पे लिखा भी है ₹10, और सारी चीज़ें इंडियन है और ये इंडिया से ही मंगाते हैं, और यहाँ पे दे रहे हैं 35 टका भाई, इंडिया से लेके इंडिया को ही और इनका ये है, ये ओरियो नहीं है, ये अलग है, ये 10 टका में है लेकिन ओरियो 35 टका। ये थोड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि इंडिया से ही इंपोर्ट करो, इंडिया वाला कोई गुड स्ट्रेटजी। अब जाके बारिश हो गई है बंद, तो अब निकलते हैं दोबारा से बांग्लादेश के ढाका को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी देखो कितना जाम लग गया भाई, यहाँ लगता है सबसे ज्यादा जाम, क्योंकि ये है वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट, अगर आप बिजीएस्ट कैपिटल भी कहेंगे तो ये ढाका है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जाम लगता है और सबसे ज्यादा शोर मचता है, तो वो यही है, सबसे ज्यादा शोर होता है ट्रैफिक का यहाँ पे। ये देखो कितनी ट्रैफिक है, इसको पूरा जाम लग गया, ये देखो ट्रैफिक,
और वहाँ से लेके और ये सारा ट्रैफिक लगा हुआ है और सबसे ज्यादा रिक्शा है यहाँ पे। और ये भी नहीं कि किसी को सवारी नहीं मिलती, सबको सवारी मिलती है, फटाफट बैठा बैठा के घुमाते रहते हैं। और मेरे इस होटल से सारी चीजें दिखती है, ये देखो पूरा रोड दिख रहा है इधर, इधर भी पूरा रोड। ये है कुछ यहाँ का नजारा। अभी चलेंगे नीचे फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करते। होटल से बाहर निकलने की सोचो भाई, ये बारिश आज पीछे ही नहीं छोड़ रही। जब आपको दिखाया था मैं कि बारिश होगी थोड़ी बंद तो निकलने की सोची, तब से दोबारा ऐसे ही स्टार्ट हो गई बारिश। ये देखो ये मैं बोल रहा था, ये यूनिक सब देखी, ये वाला है, ये वाला ऐसा लगता है जैसे मेट्रो का ब्रिज, वो मतलब एयरपोर्ट वाला ब्रिज हो। डबल डेकर जो मैंने दिखाई आपको, और वैसे भी बस के मामले में, ट्रैफिक के मामले में जबरदस्त आपका। अब आ रही है ठंडी ठंडी हवा, अब लग रहा है कि इसी रूट ना लेता तो सही रहता। लो भाई फर्स्ट राइड पे निकल चुके हैं, वो है अपनी रिक्शा के अंदर, ये भाई है लोकल दोनों, और ये भाई मिले थे मेरे को कलकत्ता में, और ये भाई भी कोलकाता में मिले रेलवे स्टेशन पर बुकिंग के टाइम पे, जो मैंने दिखाया भी आपको सीपी को। तो तीन लोग रिक्शा के अंदर मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में तीन लोग तो नहीं देखे अभी तक, हम ही जा रहे हैं तीन लोग। अकेले ढाका के अंदर 1,000,000 रिक्शा चलती है, 1,000,000, और आप देख ही सकते हैं कि हर रोड पर कितनी खड़ी। ये आ गए भाई वसुंधरा सिटी, अभी ये बड़ा सारा मॉल वसुंधरा सिटी मॉल, तो ये लोकल भाइयों का फायदा है, ये फैजल भाई। तो अभी चलते हैं मॉल के अंदर और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको पूरी मार्केट। लेकिन यहाँ का रस देखो कितना जबरदस्त, ये चीज तो है पूरे ढाका में लोग दबा के हैं। ये देखो मॉल में कैसे जैसे फरी का कुछ बट रहा हो। ये मिस्टर वाइट वाइट हो गए पूरे, ये देखो ये है यहाँ के मॉल, मतलब कितना बड़ा सारा मॉल है यार। अब भी अभी बारिश हुई थी, बारिश बंद हुई है इसलिए ये पानी निकाल रहे हैं, पानी भर गया है। ये है कुछ बाहर का नज़ारा, सबसे पहले मॉल ही दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई यहाँ का मॉल, अगर मॉल देखोगे भाई आपको लगेगा ही नहीं कि हम बांग्लादेश के अंदर हैं। ये है भाई यहाँ का मॉल, मतलब सारी चीजें हैं मॉल के अंदर, और फ्लोर भी करीब 6-7 फ्लोर का है पूरा मॉल, मतलब ये नहीं है कि एक दो फ्लोर है। ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, ये देखो ऊपर वही जैसे अपना फूड कोर्ट होता है अपने मॉल्स में, वैसे ही यहाँ पे भी टॉप फ्लोर फूड कोर्ट बना रखा है और उसके नीचे ये वाला, तो मतलब फ्लोर काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लोर का पूरा मॉल है। अभी हूँ मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, तो ढाका के अंदर ये है इनका वसुंधरा सिटी मॉल, तो अच्छा मॉल है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब वैसी दुकानें, कपड़ों की दुकानें, मतलब हर चीज़ है। और ये पूरा फ्लोर इस मॉल में, मतलब पूरा एक फ्लोर ही गोल्ड के लिए बना दिया कि यहाँ गोल्ड की सारी दुकानें, और गोल्ड भी देखो जैसे दुबई में लदा रहता है ऐसे लाद रखा है। वाह भाई ये है गोल्ड की दुकान है यहाँ, ये देखो ये बड़ा सारा हार, और इस फ्लोर पे और कोई दुकान ही नहीं है, पूरी सारी दुकानें गोल्ड की हैं, तो मतलब इस मॉल के अंदर हर फ्लोर पे अलग अलग कैटेगरी है कि जैसे आपको फर्स्ट पे बैग वगैरह हैं, दूसरे पे वो कपड़े वगैरह हो गए, तीसरे पे ये ज्वेलरी होगी है पूरा गोल्ड का है, फिर चौथे पे जाएंगे तो जूते वगैरह के लिए हैं,
मतलब सब कुछ सेपरेट कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, मतलब सारी चीजें सेग्रीगेट कर रखी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पजल होना है, अगर आप मॉल के अंदर घुस गए तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि आपको अगर गोल्ड परचेज करना है तो इस फ्लोर पे जाना, और अगर आपको कपड़े चाहिए तो इस फ्लोर पे जाना। ये नहीं है कि मिक्स एंड मैच, पूरा अलग अलग है। आप देखो ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए तो यहाँ पे इन्होंने ये लैपटॉप टीवी वगैरह दे रखे हैं। ये देखो इधर ये लैपटॉप और यहाँ यहाँ पे LCD वगैरह सैमसंग। अब हम आ गए इस फ्लोर के सबसे टॉप फ्लोर पे, और इस टॉप फ्लोर पे सारे के सारे रेस्टोरेंट है ढाका के अंदर। अच्छा, बहुत कुछ अच्छा है, और ढाका उन सिटीज में से है जो फास्टली ग्रो हो रही है, तो ढाका ग्रोइंग सिटी के अंदर भी आता है। हाँ, मोस्ट वॉइस पोल्यूटेड, नंबर वन वॉइस पोल्यूटेड सिटी है ढाका। उसी के साथ ये भी है कि ये फास्ट ग्रोइंग सिटी भी है आज के टाइम पे, और अगर ढाका के अंदर आप मान सकते हैं 30% बांग्लादेशी ढाका के अंदर ही आपको मिलेगी, तो जिससे ये 2.40 मतलब 2,40,00,000 लोग ढाका के अंदर रहते हैं, और टोटल जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो है 18 करोड़ के करीब, पूरे बांग्लादेश की पॉपुलेशन है जिसका 30% के करीब ये ढाका के अंदर है। और इनका जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन वाइज, और वैसे भी मतलब अगर आप डेवलपिंग भी बोलें तो वो था जो मैंने कल रात को आपको बताया, वो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो बांग्लादेश की चिट्टोग्राम, वो भी बहुत डेवलप्ड है, और वो आप ये मान सकते हैं कि 80-85 लाख के करीब वोट करती है पॉपुलेशन वाइज, मतलब 80-85 लाख लोग चिट्टोग्राम में रहते हैं। तो ये है कुछ ढाका का, और बाकी मैं ऐसी डिटेलिंग आपको बताता रहूँगा, ऐसे ही ब्लॉग में बने रही है। और ये है यहाँ का वसुंधरा सिटी मॉल। आज पूरी बारिश होगी, उसने पूरा प्लान खराब कर दिया, नहीं तो बहुत कुछ देखते हैं आज, और मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करके आपको दिखाता ढाका का। लेकिन कल से रेगुलर सारी चीज़ें होंगी, कल में भी बारिश ना हो तो सारी चीज़ें रेगुलर होंगी, और मैं आपको इवन यहाँ की डबल डेकर से लेके मेट्रो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। ये आ गई इसी मॉल के अंदर बेसमेंट के अंदर मार्केट, मतलब एक तो ग्राउंड फ्लोर तक, अब ये बेसमेंट में भी एक मार्केट बना रखी है इन्होंने, जो पूरे फोन के लिए है, मतलब यहाँ पे आपको सारे फ़ोन भी मिलेंगे, और जिसमें आपका एप्पल भी है, एप्पल से मुझे सारी। तो ये है भाई ढाका का मॉल, ऐसा कुछ मतलब जैसे गफ्फार मार्केट में दुकानें हैं ना भाई, ये मॉल के अंदर है वो खुली है, वैसे ये जैसे अपनी दिल्ली की गफ्फार मार्केट है वैसा ही है ये कुछ, कि सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, फ़ोन से रिलेटेड उसकी कवर ये वो सब मिल रहा है। आगे रिक्शा में बैठने की, ओके डन डन डन, ये लो भाई अब बैठेगा भाई, ये अब सिगरेट इसने पी ली है, अब ये कहीं नहीं रुकेगा। पेडल दिखा। हाँ, ये रिक्शा का तो ये अलग से एक ब्लॉग तो रिक्शा पे ही बन जाए। ये आ गया इनका CNG, दिस इज CNG, ये है Z+ सिक्योरिटी के साथ CNG। जैसे इंडिया में जो हाई सिक्योरिटी होती है, बांग्लादेश में आती ये वाली सबको मिल जाती है Z+ सिक्योरिटी, फुल पैक ये CNG, इनके अंदर जाली वाली सब लगी होगी, आपको कोई छू तक नहीं सकता। नाइट व्यू यहाँ का, आज बारिश हुई है ना तो अलग ही मौसम हो गया, बिल्कुल ठंडा है, और दिन में जब मैं मतलब सुबह जब मैं आया था तो जब गर्मी थी, लेकिन अभी बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया और बढ़िया हो गया। और एक दूसरा ये भी है, इनके यहाँ मतलब थोक देते हैं आप ये रिक्शा इधर रिक्शा सटा के चलेंगे बिल्कुल, और इसीलिए इनकी बसों पे पूरी स्क्रैच है, क्योंकि ये बहुत रश ड्राइविंग होती है बांग्लादेश के अंदर।
आप रिक्शा देख लो, बस देख लो, साइड से पूरी ठुकी पिटी मिलेगी। वो देखो ये पुलिस वाले इनके, ये रिक्शा तो भाई हर कोने पे, सांस के साथ रिक्शा। और पूरे मतलब मैंने कॉक्स ब्रिज से लेके पूरा बांग्लादेश देखा इनके यहाँ। यहाँ भाई इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हर मतलब हर सिटी के अंदर है इतनी ऊंची बिल्डिंगें। कहीं भी चले जाओ आप, आपको इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मिलेंगी। कई दिनों के बाद मतलब जो मेरी कोलकाता की ट्रिप थी वहाँ मैंने लास्ट वेज खाना खाया था, और उसके बाद तो वो चावल और पतली सी दाल थी। अब जाके आज ये ब्रेड की तरह रोटी मिली है और एक ये सब्जी मिली है, वो भी इन दोनों की वजह से, क्योंकि इनको लोकल का पता है कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो फाइनली आज जाके मैं रोटी खाऊंगा। अभी खाते हैं रोटी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। बांग्लादेश के अंदर अभी खाना खा लिया मैंने। वो खाना खाने के बाद ना एक यूनिक चीज़ मैंने देखी, जैसे अपने इंडिया में सौंफ और मिश्री देते हैं, बांग्लादेश के अंदर आपको सौंफ और धनिया मिलेगा कि आप ये खाओ लास्ट में, उसके बाद डाइजेशन आपका सही रहेगा। ये भी बढ़िया है, ये थोड़ा यूनिक था इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज फाइनली वेज खाना हो गया डन इन रोटियों के साथ, ये ब्रेड वन। खाना खा के अभी आ गया मैं यहाँ बांग्लादेश की लोकसभा पे। मतलब यहाँ पे भी क्या है, पूरी लाइटिंग वाइटिंग होती है। और ये देखो कैसे, तो ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। और लोकसभा भी मतलब अच्छी बना रखी इन्होंने, पूरा ये ग्राउंड बना रखा और बीच में एक आइकॉनिक सी बिल्डिंग है, वो देखो वो है इनकी लोकसभा। और अभी रमजान चल रहे हैं, उसके लिए इन्होंने पूरा सजा रखा है हरे कलर में, और बीच में जो इनका गोला होता है वो रेड कलर का, झंडे में भी देखा उसी पैटर्न पे रेड कलर भी इन्होंने लड़ी से दिखाया हुआ, तो पूरा सेम वहाँ पे जहाँ भी इन्होंने सजाए हैं तो उसी पैटर्न में सजाए हैं, हरा और लाल वाला।